राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा हिसार में अधिकृत बीज विक्रेता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बीज विक्रेताओं को बताया गया कि असली और नकली बीज की पहचान कैसे करें। इसी संगोष्ठी में ये भी बताया गया कि इस वक्त बीज की कौन सी नई किस्में किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विनोद कुमार गौड़ ने बताया कि किसान किस तरह से असली और नकली बीज की पहचान कर सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं विनोद कुमार गौड़ क्या कह रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो भी बीज जो किसानों तक जाता है उसका सबसे बड़ा माध्यम जो है विक्रेता होते हैं, और ये विक्रेताओं को यदि हम पूरी फसल के बारे में या बीज के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो ये आगे किसानों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। तो ये इनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है कि इनको हम जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि ये आगे जब बीज को बेचें तो वो किसानों तक पहुँचाएँ, इसलिए ये इनका इस समय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। सरकार ये कहते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो क्या आपकी संगोष्ठी इसमें कोई रोल अदा करेगी? बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। एक तो हमारे जो बीज हैं वो खुद में ही, हमने अभी जो आप अंदर देख रहे होंगे, हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो बीज हैं वो एक रिजनेबल प्राइस पे हम किसानों को दे रहे हैं, और दूसरा उनको हम ये बोल रहे हैं कि जो भी आप अभी इनपुट डाल रहे हैं वो आप बैलेंस करके डालिए। ऐसा नहीं कि आप मन मर्जी से अधिक खाद डाल देते हो या पेस्टिसाइड डाल देते हो, तो उसको आप ढंग से डलवाइए ताकि किसान को जो इनपुट कॉस्ट है जो वो कम से कम रहे, तो ताकि उसका यदि उसका इनपुट कॉस्ट घटेगी तो उसका आउटपुट यदि बैलेंस बराबर है तो उसका टोटल इनकम बढ़ेगी। किसान असली नकली बीज की पहचान कैसे करें? किसान के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जहाँ से भी बीज खरीद रहा है वो अच्छे एक विक्रेता को ये पूछे कि आपके पास क्या इस कंपनी की एजेंसी है कि नहीं है, उस पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले तो जो विक्रेता है उसको एक अच्छे विक्रेता से बीज खरीदें। दूसरा ये है कि जब भी बीज खरीद रहा है तो उसके ऊपर दो तरह के टैग लगे होते हैं, तो ये देख लें कि वो दोनों टैग उसमें हैं, एक कंपनी का होता है एक जो प्रमाणीकरण संस्था उसका होता है, और वो प्रॉपर उस पर सील लगा हो, ये विशेष ध्यान रखें। नहीं तो यदि माना मैं ये कर रहा हूँ कि दो बीज का देखें, दो टैग होते हैं, एक संस्था का होता है कंपनी का, उसके ऊपर सरकार का जो राज्य सरकार की प्रमाणीकरण संस्था है उसका भी टैग लगा रहता है। टैग नकली का तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे जो दुकान है उसका विशेष ध्यान रखे कि वो कहाँ से ले रहा है। वो नहीं, ये काम जो है हरियाणा सरकार का होता होगा, हमारे पास इस तरह का कोई मतलब, क्योंकि ये जो प्रशासन का काम है वो हरियाणा सरकार का है, तो वहाँ पे वो ले जाते होंगे। लेकिन हमारा जो मेन जो जानकारी देनी होती है किसानों को, हम हर फोरम पे यही बोल रहे हैं कि एक तो विक्रेता को देख लें कि वो उस कंपनी का विक्रेता भी है कि नहीं है, और दूसरा जब बीज खरीदे वो तो वो टैग देख लें, तीसरा बीज की रसीद जरूर लें जब भी वो बीज खरीद रहा है ताकि उसमें जिम्मेदारी फिक्स हो सके कि वो जो है एक टोल फ्री नंबर भी होता है जिस पे किसान ये कंफर्म कर ले भी ये बीज मैंने लिया है कि ये वेदर इट इज नकली और असली। मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन हम करने जा रहे हैं आगे, एक तो हम कर रहे हैं, लेकिन टोल फ्री नंबर भारत सरकार का भी है, वो मेरे ख्याल से कृषि विभाग के वेबसाइट पे है, तो वो अपने मतलब उसमें बता सकते हैं कि भाई हमने यहाँ से लिया है, तो उसकी व्यवस्था हरियाणा में मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार भी इसकी कुछ व्यवस्था कर रही है, वो स्क्रैच कार्ड वगैरह कुछ लगा रहे हैं ताकि उससे पता चल जाए कि भाई उस संस्था का बीज है कि नहीं। अब वो कहाँ तक पहुँचा है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हरियाणा सरकार में चल रहा था कुछ कि बैग बीज पे जो है वो स्क्रैच कार्ड लगाएंगे ताकि पता चल जाए कि कहाँ से बीज लिया, किसका बीज लिया, तो वो अभी आगे कहाँ से चल रहा है। लेकिन भारत सरकार के स्तर पे भी अब जो नया जो सीड बिल आ रहा है उसमें ये प्रोविज़न है और कर रहे हैं कि इस तरह का जो स्पूरिया सीड है इसको कैसे रोका जाए। सीड की ट्रेसेबिलिटी के लिए भी हमारा कृषि मंत्रालय पूरा एक वेबसाइट बना रहे हैं और एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि वो सीड की ट्रेसेबिलिटी पता चल जाए कि कहाँ पे पैदा हुआ था, कहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग हुई है, ये सब चीज़ें उसमें जानकारी रहेंगे। जहाँ तक एनएससी का सवाल है, हम जो है अब हमारा जो आने वाले समय में हम बार कोडिंग कर रहे हैं,
अपने टैग पे जो होगा उस पर बार कोडिंग होगी, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कहाँ इसका हमने ब्रीडर सीड बनाया था, कहाँ इसका फाउंडेशन बना, कहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, ताकि हम उस तरह से देख पाएँ कि भाई यदि कोई ऐसा तो नहीं हमारे नाम से कोई डुप्लीकेट सीड बिक रहा हो, तो वो बार कोडिंग से पता चल जाना चाहिए, ऐसा हम प्रयास करते हैं।